असलकुम वर्कू बच्चों क्या हाल है आप सब ठीक हैं आज हम इस्लामियत का चैप्टर शुक्रगुजारी पढ़ रहे हैं बच्चों पिछले चैप्टर में हमने जो टॉपिक था हमारा वो था तोहीद। तो तोहीद में आपको पता है तोहहीद का क्या मतलब है तोहीद का मतलब है अल्लाह ताला एक है उसका कोई शरीक नहीं और वही इबादत के लायक है तो इस इन चैप्टर ये जो शुक्रगुजारी का चैप्टर है इसका हमारा जो टॉपिक है वो है कायनात तो बच्चों काय इस सारी दुनिया में जो अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं चरिंद प्रिंद इंसान जानवर पौधे द्रा जो कुछ भी है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो भी है वो अल्लाह ताला ने इस कायनात में पैदा की है और इन्हीं चीज़ों की वजह से सारे सिस्टम को हम कायनात कहते हैं अल्लाह ताला का ये निज़ाम है बच्चों अल्लाह तला ने इंसान को बेशुमार नियमतों से नवाजा है अल्लाह तला ने कायन में मौजूद हर शायद इंसान के लिए पैदा की है इंसान की अपनी जात अल्लाह तला की सबसे बड़ी नियामत है इंसान को अल्लाह ज़िंदगी दी और उसे अशरफुलमखलूक होने का शर्फ बख्शा इसको नाक कान आंखें हाथ पाँव और दिल दिमाग जैसी नियमतों से नवाजा बोलने की ताकत दी और सोचने समझने की सलाहियत अदा की इसके साथ ही दुनिया की हर नियामत को इस्तेमाल करने का मुकम्मल इख्तियार भी दिया अल्लाह इंसान का नामतों का शुक्र अदा करे नियामतों का शुक्र अदा करे अल्लाह तला ने इंसान को पैदा ही इसी मकसद के लिए किया है कि वो दिन रात अल्लाह तला की तस्बी करे शुक्रगुजारी एक ऐसी सिफ है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा पसंद किया है शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह ताला अपना महबूब रखता है ना शुक्रिया करने वाले को अल्लाह ताला और उसके रसूल नापसंद फरमाते हैं ना को तकबर में में शामिल किया जाता है से इंसान आजजी और इंसारी पैदा होती है इंसान का ना सिर्फ अपने रब से बल्कि अपने अपने रब का बल्कि अपने मौसम का भी शुक्र अदा करना जरूरी है शुक्रिया अदा करने से दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है अल्लाह ताला फरमाते हैं और मेरा शुक्र अदा करो और ने नियामत ना करो यह हमारा आज का टॉपिक था कायनात में तो बच्चों अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं तो रीडिंग में देखें शुक्रगुजारी के मानी है एहसान मंदी और ममनूनीत किसी इंसान के एहसान के बदले में इसका ममनून होते हुए या इसका एहसान मंद होते हुए इसका शुक्रिया अदा करना शुक्रगुजारी कहलाता है शुक्र अदा करने से एहसान करने वाला खुश होता है आइंदा भी खुश दिली से तावन और मदद के लिए तैयार हो रहता है एहसान करने वाला खुश होता है और आइंदा भी खुश दिली से तावन और मदद के लिए तैयार रहता है अल्लाह तला ने इंसान को बेशुमार नामतों से नवाजा है अल्लाह तला ने कायनात में मौजूद हर शय इंसान के लिए पैदा की है इंसान की अपनी ज़ात अल्लाह तला की सबसे बड़ी नियामत है इंसान को अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और उसे अशरफल मखलूक होने का बख्शा इसको नाक कान आंखें हाथ और दिमाग जैसी से नवाजा बोलने की ताकत दी और सोचने समझने की सलाहियत अदा की इसके साथ ही दुनिया की हर नियामत को इस्तेमाल करने का मुकम्मल इख्तियार भी दिया इंसान की जिंदगी पर अल्लाह तला के ऐसे बेशुमार ऐसा हैं जो इस पर सिर्फ अल्लाह तला की अजीम और मेहरबान जाती करती है इन तमाम इन तमाम एहसान और नियामतों के बदले इंसान का फर्ज बनता है कि वो लम्हा इसका मालक का शुकर गुजार रहे। अल्लाह ताला ने इस कायन को बनाने के बाद इंसान की तखलीक इस खास मकसद के लिए मकसद के तहत ही की है कि इसका बंदा इसकी कुदरत को देकर इसकी तारीफ बन करे और इन तमाम नियामतों पर जो इसे जो इसके पैदा करने वाले रब ने अता है इनका शुक्र अदा करे इंसान की तमाम और अपने बंधु को शुक्रगुजारी का हुक्म देते हुए फरमाया और अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा अदा करूँगा शुक्र ये है कि हम दिल से अल्लाह अल्लाह तला की नामतों और एहसाना का एहसास करें और जुबान से इसका शुक्र अदा करें उसकी नियमतों का सही इस्तेमाल करें शुक्र अदा करने का तरीका अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज मोहम्मद के जरिए सिखा दिया है और वो तरीका ये है कि इंसान अल्लाह ताला का माने अल्लाह ताला का फुरमा बरदार और एतादगुजार बने और इसकी मना की हुई बात उसे बचे हज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात पसंद फरमाई है कि मुसलमान हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्रगुजार रहे अल्लाह ताला के हम पर इस कदर ऐसा नात हैं जिनके लिए हम पर फर्ज है कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें आप पेज नंबर आगे देखें 56 नेक्स्ट पेज है इसके फ्रंट पे देखें शुरू में देखें शुक्रगुजारी अच्छी आदत है शुक्रगुजार इंसान तकबर से बचा रहता है और इसमें आजजी का जज्बा पैदा होता है शुक्र में खुशी का जज्बा पाया जाता है आपस में शुक्रिया अदा करना भी इंसान का फर्ज है इस आदत से दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है हमें चाहिए कि हम ना शुक्री से बचें ना शुक्रिया अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सख्त नापसंद है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया और मेरा शुक्र अदा करो और नियामत ना करो इसके अहम अल्फाज देखें शुक्र गुजारी हमनोनीत एहसान मंदी तावन नियामत बच्चो इसकी आपने रीडिंग अच्छी तरह से करनी है इनशाला इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अल्लाह हाफिज